But he's not friendly. बेटी बच्चे तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। ज्ञान यज्ञ में रुद्र ज्ञान यज्ञ शिव ज्ञान यज्ञ नहीं ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वो सुन करके फिर दूसरों को जरूर सुनाना है। रिकॉर्ड चला है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी तो नंबर वार है ना। उत्तम बुद्धि मध्यम बुद्धि कनिष्ठ बुद्धि तो होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। उत्तम बुद्धि कैसे मिलती है, मध्यम और कनिष्ठ बुद्धि कैसे मिलती है, उसका आधार क्या है, जन्म से बुद्धि तो सभी को मिलती है, फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि मन बुद्धि में ही पूर्व जन्मों के संस्कार समाये हुए होते हैं। जिनके अच्छे संस्कार रहे, अच्छे कर्म जिन्होंने किए, उनको उत्तम बुद्धि मिलती है। जिन्होंने मध्यम कर्म किए, मध्यम संस्कार भरे, उनको मध्यम बुद्धि मिलती है। जिन्होंने नीच कर्म किए, नीच संस्कार आत्मा में भरे, उनको नीच बुद्धि मिलती है। बोला उत्तम बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते किस चीज को। जो भी बाबा ने गीत बनवाए हैं और मुरली में